अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नेपाल सबसे उभरता सितारा है, ये बात एक बार फिर तय हो गई। एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल की दबंगई लगातार जारी है। पहले मलेशिया को चारों खाने चित्त किया, फिर ओमान जैसी टीम को भी धूल चटाकर नेपाल ने अपनी दबंगई फिर साबित कर दी। नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आज के मैच में टिकी हुई थी। हर कोई टकटकी लगाकर इस मैच का इंतजार कर रहा था। हर किसी को उस पल का इंतजार था जब नेपाल और ओमान की टीमें मैदान में उतरेंगी। लेकिन मैदान में उतरने के साथ ही नेपाल ने विरोधियों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम ने 310 रनों का अंबार खड़ा करके ओमान के हौसले पहले ही पस्त कर दिए। एक बार फिर नेपाल का स्टार बल्लेबाज कुशल मल्ला जमकर चमका। कुशल मल्ला की आतिशी शतक की बदौलत नेपाल ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। कुशल मल्ला ने महज 64 गेंदों में 108 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। कुशल मल्ला का साथ सोमपाल ने भी खूब दिया। सोमपाल ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 63 रन की नाबाद पारी खेली। नेपाल की तरफ से करण केसी ने भी 15 गेंदों में तेज 29 रन बनाए। नेपाल की शुरुआती बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही और कुशल भोरतेल और आसिफ शेख दोनों शून्य पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भीम सरकी और रोहित पौडेल ने पारी को संभाला। सरकी ने 56 गेंदों में 33 रन और रोहित पौडेल ने 34 गेंदों में 23 रन बनाए। तो वहीं आरिफ शेख ने भी 43 गेंदों में 29 रन की बहुमूल्य पारी खेलते हुए टीम को संभाला। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुशल मल्ला ने कोहराम मचा दिया। ओमान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान के चारों तरफ जबरदस्त शॉट्स खेले और शतक जड़ दिया। मलेशिया के खिलाफ भी कुशल मल्ला ने शानदार पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम के सामने 311 रनों का विशाल लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम को संदीप लामिछाने ने उबरने ही नहीं दिया। 25 रन के स्कोर में कश्यप को चलता किया तो गेंदबाज ललित ने जतिंदर सिंह को 15 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद आए कप्तान भी सस्ते में चलते बने। शून्य में जीशान मकसूद को संदीप ने अपना शिकार बनाया। नदीम जरूर नेपाली गेंदबाजों का कुछ प्रतिरोध करते हुए नजर आए और 84 गेंदों में 65 रन की एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन वो भी ओमान को मैच जिताने में नाकामयाब रहे। आखिरकार नेपाल ने ओमान को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ओमान की पूरी टीम महज 226 रन पर ढेर हो गई। नेपाल के बल्लेबाजों के साथ साथ नेपाल के गेंदबाजों ने भी जमकर कहर ढाया। इसमें संदीप लामिछाने और करण केसी ने 3-3 विकेट लिए, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 और ललित ने 1 विकेट लेकर ओमान का काम तमाम कर दिया। ओमान को पराजित करने के साथ ही नेपाल का एसीसी प्रीमियर कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो गया है।